हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस समय बहुत तेज़ हवा चल रही है और मैं आपको जो है अपना जो है चीकू का प्लांट दिखा रही हूँ, जो कि मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है। देखिए, इसे गमले में मैंने जो ग्रो किया हुआ है और इसमें आसानी से देखिए फ्रूटिंग जो है स्टार्ट होने लगी है। ये देखिए, अगर मैं पॉट की बात करूँ, देखिए जिस तरीके से गमले में अगर आप कोई फ्रूट प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप बड़ा कंटेनर लें, कम से कम 20 से 22 इंच का ले, ताकि आपको बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। और ये देखिए, मेरा ये ग्राफ्टेड है। ये देखिए, यहाँ से जो ये ग्राफ्ट हो रहा है। अगर आपको गमले में कोई भी फ्रूट प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है या तो आपका प्लांट ग्राफ्टेड हो या फिर एयर लेयरिंग से तैयार हो। देखिए, ये जो मेरा है ग्राफ्टेड जो प्लांट है, और ये देखिए इसमें काफ़ी, ये एक साल से लगभग मेरा जो पुराना हो गया है प्लांट। और ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ नई नई जो है छोटी छोटी, ये देखिए ये फ्लावरिंग जो है इसमें स्टार्ट हो रही है इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी तेज़ जो है इस समय टेरेस पर हवा चल रही है, कभी बारिश हो जाती है, इस वजह से ही मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। और देखिए कितने अच्छे से जो है इसके अंदर फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। और साल में दो बार जो है चीकू का प्लांट जो है फ्रूटिंग करता है। और अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूँ तो इसको जो है आप किसी भी तरह की जो है नॉर्मल सॉइल के अंदर जो है ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जो है सॉइल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अगर अपनी गार्डन की जो सॉइल है 50% आप वो ले लीजिए, उसके बाद जो है 20% के लगभग आप इसमें डस्ट ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि कोई भी प्लांट जो हम गमले में ग्रो करते हैं उसमें हम डस्ट की मात्रा को ज़रूर शामिल करते हैं। और उसमें कंपोस्ट मिला दीजिए, थोड़ा सा नीम खली का पाउडर ज़रूर उसमें ऐड कर दीजिए। और जब प्लांट को जो हम नीचे से जब इसका ड्रेनेज होल का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा, वरना अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होगा तो प्लांट में, अगर जैसे मान के चलिए इन दिनों में बारिश हो रही है, तो देखिए मेरे इस तरीके के प्लांट में कहीं, ये वाटरिंग भी मैंने अभी की है इसके अंदर जब काफ़ी सूखने के बाद, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़े। अगर जैसे मान के कंटिन्यूस बारिश हो रही है और पानी अगर इसमें जमा हो गया तो इसकी जड़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपको जब भी कोई फ्रूट प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं तो स्पेशली इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉइल का। तो उसमें आप डस्ट जरूर शामिल करें, या तो आप नीम केक का पाउडर डालें, नीम खली का, या फिर उसके अंदर फंजीसाइड को ज़रूर ऐड करें। इस तरीके से आप जो है इसकी सॉइल को तैयार कर सकते हैं। और किसी भी तरह की सॉइल में जो है उग जाता है, और किसी भी बहुत सारे एनवायरनमेंट को, इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि इस तरीके की सॉइल होगी तभी ये ग्रो करेगा। आजकल कुछ इस तरीके की स्पीशीज़ आने लगी हैं कि वो सभी जगह जो है ग्रो हो जाती हैं। और अगर देखें, मैं अगर इसकी वाटरिंग की बात करूं तो इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए, यानी कि सूखनी नहीं चाहिए, उसके उसका जो है पानी का मॉइस्ट रहे, लेकिन सॉगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ड्राई कंडीशन को झेल लेता है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। विंटर में आप इसमें कम ही पानी दें, और अब तो बारिश चल रही है तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। और देखिए, जैसे मेरा प्लांट इस समय जो है इस फ्लावरिंग बोर्ड पर है, इसमें देखिए छोटी छोटी बर्ड्स आ रही है। अभी कुछ दिन पहले छोटे छोटे चीकू इसमें लगे थे, बट उस समय बहुत गर्मी की वजह से वो झड़ गए थे। और देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जो इसका ये टिप है, देखिए ये देखिए इसका जो ये टिप है, यहीं पर बर्ड्स बनना स्टार्ट होती है, इस जगह पर। स्टार्टिंग में जो इसकी लीव्स होती हैं थोड़ी पिंक कलर की होती हैं, और फिर देखिए धीरे धीरे ये लाइट कलर की होती हैं, और फिर इस तरीके से जो है डार्क ग्रीन में जो है कन्वर्ट होने लग जाती हैं। और यहीं पर देखिए, आगे मैं मोस्टली आपको दिखाऊँगी सारी, देखिए जो जहाँ भी टिप्स हैं, ये देखिए जितनी भी जगह इसकी, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये टिप्स बनी है, ये देखिए, तो यहाँ पर अब जो है इसमें नई फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होगी। और देखिए इस तरीके से, इसलिए आपको करना क्या है, अपने फ्रूट प्लांट की इसकी प्रूनिंग अच्छे से करनी होगी। आप ये देखिए मेरे फ्लावर, इस चीकू के प्लांट को जो एक साल पुराना ही है, और आप इसकी ब्रांचें देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जो है ब्रांचें बन गई हैं। ये देखिए, अब इसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचें हैं तो इसके अंदर जो है बहुत सारी देखिए बर्ड्स कितनी बन गई, जबकि ये गमले में लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जहां फ्लावरिंग जो है नहीं हो रही है इस तरीके से, देखिए। इसलिए आपको स्पेशली हमेशा अपने फ्रूट प्लांट को टेरेस पे, और इसकी हाइट को देखिए जो है हमें 6 फीट से ज़्यादा का नहीं रखते। मैं किसी भी, आज ही मैंने अपने बहुत सारे फ्रूट प्लांट की प्रूनिंग की है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत गेन हो गई। और मस्ट, जैसे ही आप अपने फ्रूट प्लांट को लगाते हैं इस तरीके से, एक सपोर्ट आपको ज़रूर देना पड़ेगा, वरना जो है आपका प्लांट टेरेस पे, देखिए अभी इतनी हवा चल रही है तो आपका प्लांट अगर
रूट इसकी फिर डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा एक अच्छा सा सपोर्ट, जैसे ही आप प्लांट को लगाते हैं आप उस पर सपोर्ट कर दिए। अगर मैं बात सनलाइट की करूं तो सनलाइट के लिए इसे प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत है, यानी कि जहां पर भी 6 से 7 घंटे की धूप आती है वहीं आप इसे रखें, यानी कि इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत है, जिस जगह सनलाइट है वहाँ आप इसे रखें, और ये देखिए तभी ये ग्रो हो पाएगा। और मेरे यहाँ तो टेरेस पर काफ़ी सनलाइट रहती है तो मेरे फ्रूट प्लांट इसलिए अच्छे से यहाँ ग्रो हो पाते हैं। ये देखिए, अगर आपने इसे सनलाइट नहीं दी तो फिर इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग जो नहीं होगी। और एक चीज़ और, जैसे देखिए इस समय इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग बोर्ड पे है, तो अब इसमें पानी की मात्रा को थोड़ा हमें कम कर देना है, यानी कि हमें पानी जो बहुत ज़्यादा नहीं देना, सुखाना नहीं है बट वाटरिंग को कम कर देना, वरना जो ये बर्ड्स होती हैं इस स्टेज पर गिर जाती है। इसके बाद हम अब इसमें जो है, मैं थोड़े से मैंने अभी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दी हैं। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो सॉइल को बनाते समय जैसे हम कंपोस्ट डाल देते हैं, अगर कोई फ्रूट प्लांट है तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उसको फर्टिलाइज़र दे दिया उसके बाद उसे ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है, आपको उसे समय समय पर उसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इस तरीके से मैंने गवावा के प्लांट में फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। ये देखिए इस तरह, उसके मैं लिंक आपको डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से अगर बर्ड्स बन रही है तो उस स्टेज पर हमें जो है पोटाश वगैरह इसको देना होता है, तो किस तरीके से इसको फर्टिलाइज़ करें। और मैं जो अपने प्लांट को इस पर इस तरीके से कोई विशेष अटैक वगैरह तो नहीं होता है कीड़ों का, बट फिर भी मैं हर बार इस प्लांट को जिस तरीके से अपने अनदर प्लांट को नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ तो वही मैं स्प्रे जो है इस पर करती रहती हूँ। देखिए कभी कभी इसके अंदर जो है एक लीफ वेबर करके एक पतला सा लंबा सा एक इंसेक्ट टाइप होता है, उसका अटैक हो जाता है, तो उसके अटैक से बचाव के लिए आप यही है कि बार बार उसमें जो है मंथ में या 20 से 25 दिन में कम से कम एक बार अगर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मान के चलिए कुछ आपकी लीव्स अगर ख़राब भी हो रही तो वहाँ से जो है उसको आप ब्रांच को ही कट करके, देखिए इस तरीके से कई बार ये ख़राब होने लग जाती हैं, तो इनको आप कट करके जो है निकाल सकते हैं। और फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र को इस समय देखिए, जैसे अब इस समय आप देखिए कितने इसमें बर्ड्स बन रही है, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें हम बर्ड्स को नहीं देख रहे हैं। ये देखिए अब इस समय अगर हमने इसे फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो फ्रूट कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको इसमें जो है समय समय पर जिस तरीके से मैंने अभी इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, कंपोस्ट देना पड़ता है, आप इसमें बनाना पील का ऑर्गेनिक में बनाना फिर का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आजकल मैं सीवीड का भी जो है इसमें यूज़ करती हूँ और थोड़ा बहुत एप्सम साल्ट का भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि एप्सम साल्ट जो है फ्लावर्स जो फ्रूट होते हैं उनमें थोड़ी स्वीटनेस लेकर आता है। अगर इसको सपोटा के नाम से भी जानते हैं, और चीकू जो होता है एक छोटा सा इसमें फ्रूट लग रहा है, जब इसमें फ्रूट लगेगा तो मैं उसका तब आपको ज़रूर उसका वीडियो शेयर करूँगी। इस समय देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और इस तरीके से आप चीकू को अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस बारिश जो है आप बारिश के दिनों में बहुत आसानी से जो ग्रो हो जाता है। ये देखिए जब मेरे इसमें फ्रूट बन जाएंगे उसके बाद इसकी भी मुझे प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए हमेशा टिप्स पर ही इसके फ्रूटिंग होती है, ये देखिए, यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी आप उतनी ज़्यादा इसमें देखिए अब नई नई जो लीव्स बन रही है, ये देखिए इस तरीके से अब जो देखिए नई ब्रांच बनी है, इस ब्रांच पर भी फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप चीकू के प्लांट को जो है आसानी से गमले में जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।